हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी जैन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स, एशियाई खेलों का इतिहास। वीडियो में एशियाड से संबंधित इतिहास की जानकारी एवं क्विज शामिल होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, एशियाई खेलों का प्रारंभ कब हुआ? तो फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में हमारे ही देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुए। प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन महाराजा ऑफ पटियाला यादवेंद्र सिंह, जो एशियन गेम्स फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके भाषण के बाद आधिकारिक तौर पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। महाराजा ऑफ पटियाला यादवेंद्र सिंह एशियन गेम्स फेडरेशन के अध्यक्ष थे। इसी एशियन गेम्स फेडरेशन के अंतर्गत पहले एशियाई खेलों का आयोजन होता था। तो अब एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था के अंतर्गत होता है? तो ओसीए। ओसीए का फुल फॉर्म है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशियाई खेलों के पहले एडिशन 1951 से आठवें एडिशन 1978 तक एशियाई खेलों का आयोजन एशियन गेम्स फेडरेशन नामक संस्था के अंतर्गत हुए। ये भी याद रखना इजी है। देखिए, भारत ने एशियन गेम्स दो बार होस्ट किए हैं, 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स और दूसरी बार 1982 में नवे एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की। तो 1982 में भारत की दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी से पहले के आठ एशियाई खेल एशियन गेम्स फेडरेशन संस्था के अंतर्गत हुए, और 1982 में जब भारत ने नौवे एशियाई खेलों की मेजबानी की, तब से इन खेलों की नियामन ओसीए यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया या हिंदी में एशियाई ओलंपिक परिषद संस्था के अंतर्गत हो रहा है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया या ओसीए का हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी में। इसका आदर्श वाक्य या मोटो है एवर ऑनवर्ड्स, सदैव प्रगतिशील। ये आदर्श वाक्य या मोटो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट एशियन गेम्स के समय दिया था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के सदस्य 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं। एक एशियाई देश ऐसा भी है जिसकी ओलंपिक समिति एशियन गेम्स फेडरेशन की सदस्य थी, पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की सदस्यता से हटा दिया गया है। वह कौन सी समिति है? तो वो है इजराइल देश की इजराइल ओलंपिक समिति। फर्स्ट एशियन गेम्स के समय एशिया के 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और मेन वेन्यू था नेशनल स्टेडियम, जिसे अब ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नाम से जाना जाता है। और 1951 से पहले इस स्टेडियम का नाम इरविन एम्पीथिएटर था। इरविन नाम लॉर्ड इरविन के नाम पर पड़ा था, जो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय रहे। 1951 के फर्स्ट एशियन गेम्स की ऑफिशियल ओपनिंग मैंने पहले ही बताया, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और मशाल जलाई थी तलिप सिंह जी ने। उन 11 देशों में जापान रैंक वन रहा था। उसने सबसे ज्यादा मेडल और सर्वाधिक गोल्ड जीते थे, 60 टोटल मेडल और 24 गोल्ड, और भारत रैंक 2 रहा था। टोटल 51 मेडल, जिसमें से 15 गोल्ड थे। 1951 में एशियन गेम्स हुए थे और भारत ने 51 मेडल जीते, और इन टोटल मेडल के नंबर को अदला बदली कर दो तो गोल्ड का नंबर भी याद हो जाएगा, 15। एशियाई खेलों के इतिहास में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक एशियाई खेल में किसने जीता? तो सचिन नाग ने, जिन्होंने गोल्ड मेडल मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में 1951 के पहले एशियाई खेल में जीता था। नेक्स्ट क्विज, पहली भारतीय महिला जिसने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, तो कमलजीत संधु, जो 400 मीटर की रेस में 1970 बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर भारत के लिए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई। 1970 बैंकॉक के छठे एशियाई खेल, जहां कमलजीत संधू पहली भारतीय महिला बनी एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली।
यही 1970 बैंकॉक के छठे एशियाई खेल पहले एशियाई खेल हैं, जब पूरे विश्व में इन खेलों का टीवी पर प्रसारण हुआ। और इन्हीं 1970 के एशियाई खेलों में पहली बार नौकायन को खेलों की सूची में जोड़ा गया था, यानी नौकायन पहली बार खेले गए थे एशियन गेम्स में 1970 के बैंकॉक एशियन गेम्स में। नेक्स्ट क्विज, किस देश के किस खिलाड़ी को एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने का सम्मान प्राप्त है? तो सिंगापुर के स्विमर या तैराक नियो च्वी कॉक, इन्होंने एशियाई खेलों के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता है। पहले एशियाई खेलों में तैराकी फ्री स्टाइल के चारों इवेंट में गोल्ड जीतकर सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाले एथलीट भी बने सिंगापुरियन स्विमर नियो च्वी कॉक। इन्होंने गोल्ड जीते 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और 4x100 मीटर रिले फ्री स्टाइल स्विमिंग के इवेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ने सबसे ज्यादा बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो थाईलैंड ने एशियाई खेलों की मेजबानी 4 बार की है और चारों ही बार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है। पहली बार बैंकॉक ने होस्ट किया एशियन गेम्स को 1966 में पांचवें एशियाई खेल के समय, और दूसरी बार 1970 में छठे एशियाई खेल। 1970 में दूसरी बार होस्ट करने के साथ ही थाईलैंड पहला देश बन गया एशियन गेम्स को एक से अधिक बार होस्ट करने वाला। तीसरी बार 1978 आठवें एशियाई खेल और 1998 में 13वें एशियाई खेलों को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ने होस्ट किया, और चारों ही बार इन खेलों का आधिकारिक उद्घाटन थाईलैंड के तत्कालीन राजा भूमिबोल अदुल्यादेज ने किया। इसीलिए एशियाई खेलों का सबसे ज्यादा बार आधिकारिक उद्घाटन करने वाले व्यक्ति भूमिबोल अदुल्यादेज ही हैं। पहली बार थाईलैंड ने पांचवें एशियाई खेलों को होस्ट किया, तो इसके पहले के 4 होस्ट नेशन भी देख लीजिए। पहला नई दिल्ली भारत 1951 में, दूसरा मनीला फिलीपींस 1954 में, तीसरा टोक्यो जापान 1958 में, चौथा जकार्ता इंडोनेशिया 1962, और उसके बाद पांचवा और छठा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एशियाई खेल जिनकी मेजबानी किसी देश की राजधानी ने नहीं की, तो 1994 में जापान का हिरोशिमा पहला ऐसा शहर है जो एशियाई खेलों को होस्ट करने वाला शहर राजधानी नहीं था। नेक्स्ट, 1982 में 9वें एशियाई खेलों का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया था, जब भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो भारत के तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1982 नवे एशियाई खेलों का आधिकारिक उद्घाटन किया था, और तब भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 1982 एशियन गेम्स का मैस्कॉट या शुभंकर अप्पू, जो एक हाथी का शिशु था। हर एशियन गेम्स में अपना शुभंकर यानी मैस्कॉट की शुरुआत 1982 एशियाई खेलों से हुई, और अप्पू जो 1982 एशियाई खेल का शुभंकर था, एशियन गेम्स का प्रथम शुभंकर है। 1982 एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किए गए खेल थे घुड़सवारी, गोल्फ, हैंडबॉल, रोइंग और महिला हॉकी। ये सब खेल एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किए गए 1982 के 9th एशियन गेम्स में। भारत में दूरदर्शन, जो भारत का सरकारी चैनल है, इसका राष्ट्रीय प्रसारण या नेशन वाइड ब्रॉडकास्टिंग 1982 में ही हुआ था। 9वें एशियाई खेलों की तैयारी के दौरान ही भारत में रंगीन टेलीविजन लाया गया, और बाद में 9वें एशियाई खेलों का देश में रंगारंग प्रसारण किया गया। 1982 के 9वें एशियाई खेलों से ही चीन टॉप रैंकर बना एशियाई खेलों में। इससे पहले के 8 एशियाई खेलों में जापान पदक तालिका में रैंक 1 रहा था। 1982 के एशियन गेम्स से अब तक के सभी आयोजनों में चीन रैंक 1 रहा है, और ओवरऑल सभी एशियाई खेलों के मेडल काउंट के बाद भी चीन ही सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश है, जबकि चीन ने सभी एशियाई खेलों में भाग नहीं लिया है। चीन ने पदार्पण किया एशियाई खेलों में 1974 के 7वें एशियाई खेलों से।
जो ईरान की राजधानी तेहरान ने होस्ट किए थे। क्या आपको ये पता है कि पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया? तो 1954 के दूसरे एशियाई खेलों से, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला ने होस्ट किए थे। 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने सभी एशियाई खेलों में पार्टिसिपेट किया है, और वो है इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान और फिलीपींस। नेक्स्ट, भारत की पुरुष कबड्डी टीम किस एशियाई खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने से चूकी? तो 2018 के 18वें एशियाई खेल में भारत पहली बार कबड्डी में स्वर्ण पदक से चूका है। 2018 के इंडोनेशिया एशियन गेम्स में भारत की महिला कबड्डी टीम और पुरुष कबड्डी टीम दोनों ही स्वर्ण पदक से पहली बार चूके हैं। 2018 एशियन गेम्स में पुरुष कबड्डी और महिला कबड्डी दोनों के ही गोल्ड मेडल ईरान ने जीते हैं। 2018 के खेलों में भारत की मेंस कबड्डी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और सिल्वर मेडल जीता है साउथ कोरिया की टीम ने। भारत की वुमेन्स कबड्डी टीम ने इस बार सिल्वर मेडल जीता है। 1982 के 9वें एशियाई खेलों में कबड्डी को पहली बार प्रदर्शनी के रूप में लाया गया था एशियन गेम्स में। तो पुरुष कबड्डी स्पर्धा को किस एशियाई खेल में पहली बार शामिल किया गया? तो पुरुष कबड्डी स्पर्धा को एशियाई खेलों में 1990 के 11वें एशियाई खेल, जो चीन की राजधानी बीजिंग में हुए थे, पहली बार शामिल किया गया। 1990 में पहली बार कबड्डी एशियन गेम्स में शामिल हुई। तब के 11वें एशियाई खेलों से लेकर 17वें एशियाई खेलों तक भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने लगातार 7 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। महिला कबड्डी की शुरुआत एशियाई खेलों में 2010 से हुई, और भारत की महिला कबड्डी टीम ने 2010 और 2014 दोनों बार गोल्ड मेडल जीते हैं। और अब एशियन गेम्स से कुछ फैक्ट्स। भारत और जापान दो देशों ने हर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। भारत हर एशियाई खेल की पदक तालिका में टॉप 10 की रैंक में रहा है, सिर्फ 1990 के एशियाई खेल के अलावा। भारत का सबसे खराब प्रदर्शन 1990 के एशियन गेम्स में ही रहा है। तब भारत ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था, वो भी कबड्डी में। और 1986 के 10वें एशियाई खेलों में भारत के 5 गोल्ड मेडल में से 4 गोल्ड मेडल पीटी उषा ने जीते थे। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और लाइक के साथ वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।